हेलो फ्रेंड्स, स्टेशनरी स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 40 इंच साइज का कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीछे के गले की लंबाई अगर कम हो तो कितना शोल्डर लेना चाहिए, अगर डीप है, ज़्यादा डीप गला बनाते हैं पीछे का, तो इस साइज में कितना शोल्डर रखेंगे, बेल्ट मार्किंग कितनी इंच पर करनी है, कटोरी की चौड़ाई कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड में पेपर बिछाया हुआ है और यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन खींची है और आर्महोल की लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 6 इंच और इस प्रकार से एक सीधी लाइन मैंने खींच दी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पीछे के गले की लंबाई कम है, मान लीजिए आपके पीछे के गले की लंबाई अगर 7.5 इंच है, ठीक है, 7.5 इंच, अगर आपके पीछे की गले की लंबाई है 8 इंच है या फिर 8.5 इंच है, तो इस कंडीशन में आप कितना शोल्डर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम एक नाप ले लेते हैं शोल्डर का। तो देखिए, 40 इंच चेस्ट है तो उसके अनुसार हम यहाँ पर 15 इंच शोल्डर ले लेते हैं और 15 का आधा यहाँ पर 7.5 इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि 40 इंच साइज में 15 इंच शोल्डर हो, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, किसी के ब्लाउज के गले की लंबाई 7.5 इंच है, 8 इंच है या फिर 8.5 इंच है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, शोल्डर हम कितना कम करेंगे। तो देखिए, जितना आपका शोल्डर आया है उसका आधा करेंगे, जैसे कि हमारा इसमें 15 इंच है तो उसका हाफ करके हमने यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग की और उसमें हमने 1.5 इंच कम किया। अब देखिए, 7.5 में हमने 1.5 इंच कम किया तो उसके बाद ये कितना आया है, ये 6 इंच आया है। अब देखिए, अगर आपके ब्लाउज के पीछे की गले की लंबाई 10 इंच है, 10.5 इंच है, तो इस कंडीशन में आपको 7.5 में से 2 इंच कम करना है, ठीक है, 2 इंच आपको 7.5 में से कम करना है। तो 7.5 इंच में से हम 2 इंच यहाँ पे कम करेंगे। अब 2 इंच यहाँ पे कम करने के बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर रहेगा 5.5 इंच। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 7.5, 8 और 8.5 इंच के गले के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर लेंगे इस प्रकार से। तो 6 इंच यहाँ पे शोल्डर मैंने लिए है। अब देखिए, चेस्ट का यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे 10 इंच, 40 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे, देखिए इस प्रकार से, और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, हमने मार्किंग कर ली है चेस्ट की। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे आर्महोल का शेप देंगे, तो इस प्रकार से देखिए, बराबर आर्महोल का हाफ करेंगे और इस तरह से मार्किंग करके आर्महोल का शेप देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बैक आर्महोल का इस प्रकार से शेप दिया है। अब इसके बाद हम देखिए, डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से 5.5 इंच हमने शोल्डर लिए है और नीचे की तरफ भी मैंने सेम मार्किंग की 5.5 इंच पर, और 5.5 इंच पर मार्किंग करके उस तरफ हमने 1/2 इंच इस तरह से ले लेना है, देखिए इस प्रकार से, और इसको इस तरह से मिला देना है। तो चलिए, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्महोल का शेप देंगे, तो इस प्रकार से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 10.5 इंच या 10 इंच गले के हिसाब से इस तरह से 1/2 इंच बाहर की तरफ लेके इसको इस तरह से हमने मिला दिया था। लेकिन अगर आपका गला 7.5, 7.5 इंच है, 8 इंच है या फिर 8.5 इंच है, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से बाहर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा आर्महोल आपको ले लेना है 6 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 6 इंच अगर आपका शोल्डर है और पीछे की गले की लंबाई 7.5, 8 और 8.5 इंच है, तो उस कंडीशन में आपको गले की चौड़ाई 3 इंच लेना है, देखिए इस प्रकार से 3 इंच पर हमने मार्किंग की है 6 इंच शोल्डर में। अब देखिए, अगर आपके ब्लाउज के पीछे की गले की लंबाई 10 इंच है, 10.5 इंच है या फिर 11 इंच भी है, तो इस कंडीशन में आपको 5.5 इंच शोल्डर लेना है और गले की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्किंग की है। अब इसके बाद देखिए, गले की लंबाई हम यहाँ पर रख रहे 7 इंच और नीचे से चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच, तो नीचे तरफ मैंने यहाँ पे 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है। अब इसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ पर हम गोल गले का शेप बना देंगे इस प्रकार से, आप चाहे तो किसी भी गले का शेप बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान नहीं लगाया है, तो इस प्रकार से देखिए, शोल्डर के ऊपर इस तरह से टेप रखेंगे और ब्लाउज का लंबाई का निशान लगाएंगे। 14 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है तो 15 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, और इस प्रकार से देखिए सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी है। 40 इंच चेस्ट है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 12.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे बेल्ट की। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 है, 36 है या फिर 38 इंच है, तो उस कंडीशन में आप 12 इंच पर इस बेल्ट की मार्किंग करेंगे,
ठीक है, 12 इंच पर आप मार्किंग कर लेंगे। अगर ज़्यादा चेस्ट साइज़ है 40 से 42 से, तो उस कंडीशन में आप 12.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 12.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच आ रही है। अब देखिए इस प्रकार से हम सेम मार्किंग 12.5 इंच पर इस तरफ भी कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, अब यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से सीधी लाइन खींचने के बाद देखिए इस तरफ हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से थोड़ा कर्व शेप देते हुए इसको मिला देंगे। तो इसको हमें क्या करना है, 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। देखिए इस प्रकार से 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसको इस तरह से कर्व शेप देते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो कटोरी की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ भी कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए शोल्डर से यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हम कटोरी के गोले देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं और यहाँ से देखिए इस प्रकार से कटोरी का गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से लाइन के इस तरफ से 2 पॉइंट बाहर की तरफ से हमें इस प्रकार से गोलाई दे देनी है। अब इसके बाद देखिए कटोरी का यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया है कटोरी का। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए दोनों पार्ट्स की हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो पीछे के पल्ले के हिसाब से हमें यहाँ पे मेजरमेंट्स डालने हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से डबल फोल्डेड पेपर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। 35 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर 9.25 इंच लेंगे और 1 इंच लेंगे यहाँ पर टक्स के लिए, जो पीछे की तरफ हम टक्स डालेंगे उसके लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग की है और इन निशानों को मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो ये हो गया मार्जिन वाला हिस्सा। और ये जो लाइन दिख रही है ये फिटिंग वाली लाइन है। अब देखिए इसको आप जब कट करेंगे और कटिंग करने के बाद फैब्रिक के ऊपर बिछा के फैब्रिक की अगर आप कटिंग करते हैं, तो फैब्रिक की कटिंग करते वक्त आपको किसी भी पार्ट में कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको बेल्ट में मार्जिन ऐड करना है, वो भी इस तरफ नीचे तरफ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं हमेशा 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेती हूँ नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्जिन दबाते हैं सिलाई करते वक्त, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग कर ली है और इस प्रकार से देखिए एक एक कट लगा देंगे दोनों पार्ट्स में। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट आर्महोल की मार्किंग नहीं की है, तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट आर्महोल की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बैक आर्महोल से अंदर की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से उस निशान को मिलाते हुए 1/2 इंच की दूरी से फ्रंट आर्महोल का शेप बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट्स को अलग करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे वाले पल्ले में गले की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे गले की चौड़ाई ले लेते हैं। तो 2.5 इंच पर हमने मार्किंग की थी, 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली थी सामने वाले पल्ले में, तो सेम मार्किंग हम पीछे की तरफ भी कर लेंगे। और गले की लंबाई है 10.5 इंच, तो 11 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे 11 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है गले की लंबाई का। अब नीचे की तरफ हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। अब इसको हम इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए अगर आप ज़्यादा ब्रॉड गला बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 2.5 इंच की जगह 3 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। और अगर इससे भी ज़्यादा ब्रॉड गला पहनते हैं, तो यहाँ पर आप 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 इंच चौड़ाई रखी है नीचे की तरफ और इस प्रकार से यहाँ पर गोलाई दे दी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10.5 इंच गले की लंबाई का यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर और इस तरह से इसको सीधा मिला देंगे। अब टक्स की लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। और इसके दोनों तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से।
अब देखिए 10.5 इंच गले की लंबाई है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे साइड से 1.25 इंच तक यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट करके अलग करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए अगर आपके गले की लंबाई 7.5 इंच 8 इंच या फिर 8.5 इंच है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार से 7.5 इंच अगर गले की लंबाई है आपके ब्लाउज में पीछे की तरफ, तो आप यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच यहाँ से कम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 1/2 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से टक्स के साथ मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 10.5 इंच गला बनाना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 1/4 इंच वाले निशान से यहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 1/4 इंच वाले निशान से कट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने गले की भी कटिंग कर ली है। तो पीछे का पल्ला हमारा रेडी है। अब हम सामने के पल्ले को कट कर लेते हैं। तो सामने के पल्ले के तीनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट आर्मोल के ऊपर से कट करेंगे इसको, और इसके बाद देखिए बेल्ट को अलग कर लेंगे। बेल्ट अलग करने के बाद कटोरी और साइड वाला पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों पार्ट्स को अलग कर लिया है। अब देखिए पीछे के पल्ले में हमने साइड से नीचे की तरफ से 1/4 इंच कम किया था, तो आपको क्या करना है इस वाले पल्ले में इस तरह से देखिए 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और 1/2 इंच यहाँ से कट करके अलग कर लेना है, ठीक है। तो तभी आपका ये सामने का पल्ला बराबर पीछे के पल्ले के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप कट नहीं करेंगे तो आपका सामने का पल्ला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए छोटी कटोरी से हम बड़ी कटोरी बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए कटोरी को इस तरह से रखेंगे और एज इट इज़ इसको यहाँ पर छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटोरी को छाप दिया है और यहाँ सेंटर पर जो मार्किंग की थी हमने उसको भी यहाँ पर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सेंटर से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से मिला देना है। अब कटोरी के दोनों साइड हमें इस प्रकार से एक एक लाइन खींच देनी है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट है उसके नीचे की तरफ हमें 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। तो इस प्रकार से इसको मिला देंगे इस लाइन को। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरफ 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, इस तरह से टेप को रखेंगे और इस तरह से देखिए 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 1.25 इंच पर हमने दूसरी तरफ भी मार्किंग कर ली है। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब देखिए हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, और ऊपर की तरफ भी हम 1/2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई में चला जाएगा 1/2 इंच। अब देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से हम कटोरी की गोलाई दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने कटोरी की गोलाई दे दी है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो कटोरी है ये रेडी हो गई है। इसको अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए कटोरी को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो टक्स है यहाँ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है कटोरी को। अब इस तरह से देखिए इसको कटोरी को रखेंगे और यहाँ से देखिए ये हमारा हुकाई पट्टी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये इतना हुकाई पट्टी वाला हिस्सा हो गया। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 इंच बराबर आ रहा है। अगर 4 इंच से ज़्यादा होता है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी होता है तो कोई बात नहीं, वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चेस्ट का 10वां हिस्सा यहाँ पर आना चाहिए। अब देखिए टक्स की हमने जो यहाँ पर मार्किंग की थी टक्स पॉइंट की, तो उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर 1/2 इंच ले लेना है। देखिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा हमने ले लिया। अब ये हो गया टक्स पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे टक्स की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम नीचे की तरफ 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरफ भी हम यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो टक्स की चौड़ाई रहेगी इस साइज में 1.25 इंच। अब इसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कटोरी का टक्स। अब इसको देखिए पकड़ेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर एक कट लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे टक्स का यहाँ पे मार्किंग है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो कटोरी की चौड़ाई ली है 6.5 इंच, तो वो यहाँ पे बराबर आ रही है कि नहीं, वो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से टेप रखेंगे
हाफ इंच छोड़ के ऊपर की तरफ सरका के रखेंगे थोड़ा टेप को, और इसके बाद देखिए इस तरफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरी तरफ भी हाफ इंच पर, तो इतना हमारा मार्जिंग जो है सिलाई में चला जाएगा। तो इसको छोड़ के देखिए यहाँ पर ये बराबर 6.5 इंच आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 40 इंच साइज़ के कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।